তাহলে হচ্ছে ওগুলো একটা সিরিজ কোর্স করতে দ্যাট দ্য ভ্যালু অফ থিটা লাইং বিটুইন টাই ইকুয়াল টু পাই বাই টু অ্যান্ড স্যাটিসফাইং দি ইকুয়েশন ডিটারমিনান্ট অফ 1 প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা কস স্কোয়ার থিটা 4 টাইম 4 থিটা সাইন স্কোয়ার থিটা 1 প্লাস সাইন কস স্কোয়ার থিটা 4 সাইন 4 থিটা সাইন স্কোয়ার থিটা কস স্কোয়ার থিটা 1 প্লাস 4 সাইন 4 থিটা ইকুয়াল টু। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं और लिखा है यहाँ पे अप्लाइंग अप्लाइंग किस पे लगा देते हैं टी वन पे लगाया हम लोग वन प्लस ऑफ ए। जब अगर इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने सी वन पे लगाया और फर्स्ट वाले पे लगाया, इन दोनों को अगर ऐड में कर दूं देखो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो ये वन वन ये हो जाएगा हमारे पास। इस पे आ जाओ तो यहाँ इन दोनों को लगाएंगे तो वन यहाँ पे है तो ये भी टू हो जाएगा, और इस वाले को अगर लगाएंगे तो ये वन, बाकी पे तो लगाया नहीं, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा फोर साइन फोर थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा फोर साइन ऑफ फोर थीटा वन प्लस फोर साइन ऑफ फोर थीटा पिछली। अब मुझे करना क्या है कि कोई एक दो रो को जीरो बनाना है, किसी एक रो या एक कॉलम के दो एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। तो अब देखिए अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग सबसे पहले आर टू, आर टू पे अगर मैं ले लूं आर टू माइनस ऑफ आर वन, ये तो जीरो का है हमारा, ये जीरो हो रहा है। अब अगर मैं दूसरा ले लूं आर सी बी, आर थ्री पे लगाया आर थ्री माइनस ऑफ आर वन, ओके देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाई दैट हमने आर टू पे लगाया है और आर थ्री पे लगाया है, इसका मतलब आर वन पे नहीं लगाया तो कॉस स्क्वायर थीटा फोर साइन ऑफ फोर थीटा कुछ चेंज नहीं, इस पे लगाया तो ये तो जी, ये वाला माइनस हो करके हमारे पास हुआ ये भी जीरो है। अब इस पे आ जाइए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन, इन दोनों में देखा तो ये हमारा जीरो, इसमें देखेंगे तो ये वन बन, अब इसको सिंपली ओपन कर देते हैं, ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा टू, टू के साथ ये वन आएगा या जीरो आ जाएगा तो वन आ गया, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिया तो ये हमारा जीरो और ये भी जीरो तो ये तो जीरो, ये जीरो हो गया, प्लस ऑफ फोर साइन फोर थीटा को लिया तो ये तो जीरो और माइनस माइनस प्लस दैट इज विच इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं देखूं तो ये आ गया टू प्लस ऑफ फोर साइन फोर थीटा इक्वल टू जीरो, टू कॉमन ले लेंगे इससे ये बच जाएगा, या ऐसे लिख देते हैं फोर साइन फोर थीटा इक्वल माइनस टू, यहाँ से कट कर दो ये वन बच जाएगा और ये टू बच जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट साइन फोर थीटा इक्वल्स टू माइनस वन वाई टू, इसका मतलब ये कहाँ पे हो जाएगा पाई बाई सिक्स पे होगा, तो ये साइन ऑफ माइनस पाई बाई साइन ऑफ माइनस पाई वाई कितना हो गया सिक्स। अब जनरल सॉल्यूशन अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फोर थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस ऑफ माइनस वन रेज टू द पावर एन, माइनस वन रेज टू द पावर एन और माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स। अब हमें देखना है कि इसमें सॉल्यूशन क्या क्या, हमें तो थीटा चाहिए तो हमें सॉल्यूशन क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई बाई फोर
प्लस ऑफ माइनस वन रेज टू दी पावर एन, इसको एन प्लस वन करते लो कोई नहीं रहने, माइनस ऑफ फाइव आई। अब पुट करके देखो, पहले मैं वन पुट कर, तो जब वन पुट करेंगे मतलब एन इक्वल्स टू वन पुट किया तो क्या आ जाएगा, पाई थीटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर ये निगेटिव ये पॉजिटिव में आ जाएगा है ना, ये पॉजिटिव में आ गया पाई बाई सिक्स। एलसीएम ले लें तो ये हो गया हमारे पास 24, ये हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास कितना 6, ये हो गया 6 पाई प्लस ऑफ 4 पाई, दिस इज इक्वल्स टू 11 पाई, 11 पाई बाई 24, ये तो ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है। अब जीरो अगर मैं पुट करके देखूं, अगर जीरो मैं पुट कर दूं, माइनस फाइव बाई सिक्स यहाँ कहीं पे भी नहीं है, अगर मैं एन इक्वल्स टू टू पुट कर दूं, अगर एन इक्वल्स टू टू पुट करूं तो क्या आ रहा है, एन इक्वल्स टू टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, पुट किया है यहाँ पे टू बाई टू पाई बाई फोर, तो मतलब फाइव बाई टू हो गया, और ये हमारा वन बन जाएगा ये माइनस फाइव बाई सिक्स, तो ये 30 तो नहीं, ये भी नहीं है हमारे पास, मतलब ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ।